लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में सियासी पारा हाई है। राजनेताओं की बयानबाजी भी जारी है। हाल ही में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने राज्यसभा चुनाव में विपक्ष को एकजुट होकर अपना प्रत्याशी उतारने का बयान दिया था। इस बयान पर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चुटकी लेते हुए कहा कि उनके पास ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं और वो खुद भी लंबे समय से मुख्यमंत्री बनते आए हैं। कांग्रेस ने अपने शासन काल में जो पक्षपात किया वो सबके सामने है। बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास नारे को धरातल पर सिद्ध करके दिखाया है। सरपंच एसोसिएशन के अल्टीमेटम पर कृषि मंत्री ने कहा कि उनकी जो भी जायज मांगे हैं सरकार उन पर बात करने के लिए तैयार है। सरपंच अलग नहीं है, वो हमारे ही सरपंच है। चौधरी वीरेंद्र सिंह के राज्यसभा में विपक्ष को एकजुट होकर प्रत्याशी उतारने के बयान पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि उनके पास ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, उन्हें लंबा समय हो गया है, खुद भी मुख्यमंत्री बनते आए हैं। हर व्यक्ति की अपनी सोच है, अपना एक दायरा होता है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है। सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक को धरातल पर सिद्ध करके दिखाया है। कांग्रेस के राज में विकास कार्यों, रोजगार, हर क्षेत्र में जनता के साथ पक्षपात हुआ है। मुख्यमंत्री जी आएंगे और चुनाव हुआ, उसमें सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया, तो उनके साथ बातचीत भी करेंगे, उनका हौसला भी बढ़ाएंगे और उसके बाद जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठ के बातचीत। नहीं, हमारी तैयारी अच्छी है। देखिए, हमारा संगठन मजबूत है। हमने जो योजनाएं चलाई, जो काम हमने किए, वो जनता तक लेके जाना, उनको बताना, उनका लाभ उनको मिले उसके लिए बताना लोगों को, और उनकी सद्भावना अपने पक्ष में लेके आनी, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। 46 उनके पास समझौते में है, हमारे पास 44 अकेलों के पास है। उनके पास जो समझौता था, चाहे आम आदमी का था, चाहे किसी का भी था, तो जो भी उनके समझौते थे सारी पार्टियों के साथ समझौते के बाद वो 46 सीटों पर जीते, 44 सीटों पर जीते। तो बहुत बड़ा फर्क नहीं है इसमें, 46 और 44 में। और जब वो अकेले लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ फिर ये बदलेगी स्थिति। ऐसी योजनाएं उनके पास बहुत हैं, बहुत लंबा टाइम है, मुख्यमंत्री बनते हैं अपने आप भी, तो ऐसी योजनाएं उनके पास बहुत हैं। लेकिन हर आदमी का अपना अपना एक सोच है, अपना दायरा है, वो तो उसके बाद ही पार्टियां जो हैं शामिल होती हैं या इकट्ठी होती हैं उसके बाद है। और भारतीय जनता पार्टी खिलाफ किस लिए इकट्ठे कर रहे हैं? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चल रही। कौन सा वो है, मतलब जो सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, अगर किसी ने इम्प्लीमेंट किया उसको तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस के राज में जिस प्रकार का पक्षपात हुआ, चाहे विकास के मामले में था और चाहे रोजगार के मामले में था, तो पूरी तरीके से उसमें पक्षपात हुआ। और गरीब आदमी के साथ जिस प्रकार के अत्याचार उस टाइम में, रोजाना आप अखबारों में खबरें पढ़ते थे कि फलानी जगह से वो लोग छोड़ के चले गए, वो लोग छोड़ के चले गए, वो लोग छोड़ के चले गए। आज 9.5 साल के इतिहास में ऐसी एक भी घटना नहीं हुई कि इस प्रकार की कहीं हुई हो। तो एक अच्छी कानून व्यवस्था थी और ईमानदारी के सबके साथ उनका विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। फ्लोर टेस्ट, तो बहुत सीनियर लीडर हैं, मतलब जितने जानकार वो हैं, मैं समझता हूँ आज हरियाणा की पॉलिटिक्स में सबसे सीनियर हो सकते हैं वो शायद। तो फ्लोर टेस्ट तो विपक्षी उसकी अपील करेगा ना जी। ज़्यादा जरूरी है कि अगर उनको ये लगता है कि वो गवर्नर साहब के पास है, या जिस टाइम सेशन होगा उस टाइम टेस्ट हो जाएगा, तो उस टाइम हो सकता है वो करा के देख लेंगे। अभी तो 4 महीने है, सिर्फ 4 महीने पहले टेस्ट हुआ ही है और हमने बहुमत साबित किया है। तो अब इनसे ज्ञान लेके अगर कोई करेगा तो वो कर लेगा। वो अधिकार जो था वो 5 लाख रुपए खर्च करने का ही अधिकार था। अगर 10 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। अगर 20 लाख खर्च का अधिकार दिया तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। 5 लाख हमने पहले ही कह दिया उनको, और आने वाले टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया भी गया कि हम राशि को बढ़ा देंगे। तो हम कोई और नहीं, हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो। तो अगर जो उनकी सही डिमांड है, जो उनकी सही बात है, उसको मानने के लिए सरकार तैयार है। पहले भी हमने उनकी बात मानी, पहले भी उनके साथ बैठ के बातचीत की। सरपंच कोई अलग नहीं है, सरपंच हमारे ही तो सरपंच हैं। हमें हमने ही वोट देकर सरपंच उनको बनाया, हमारे ही गाँव का डेवलपमेंट करने हमारे सहयोगी हैं हमें। सरपंच कोई अलग चीज नहीं, मुझे भी अगर विकास करना तो मैं भी सरपंच के ऊपर डिपेंड हूँ। मुझे गली बनवानी गाँव में तो मैं भी सरपंच के ऊपर डिपेंड हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमारी दुश्मनी है, सरपंच अलग है, हम अलग हैं। हम और सरपंच इकट्ठे हैं, हम मिलके ही प्रदेश की डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो निश्चित तौर से जो जरूरी काम होगा 100% करेंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।